नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। मैं रोहित लेकर के आया हूं अपने कोर्स का आज 11वां पार्ट। और इससे पहले मैंने 10 वीडियो जो है कोर्स के ऊपर बना रखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। और आज जो है 11वां पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने गाड़ी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल सकते हैं। आपकी जो गाड़ी चलती है, ध्यान रखिए, मैं आपके गाड़ी का ओवरऑल जो है प्रॉफिट लॉस बताने की बात कर रहा हूं, ना कि मैं आपको यहां पे ट्रिप का क्या खर्चा आएगा वो मैं बताऊंगा। ट्रिप के खर्चे से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो पहले बना रखा है, वहां पे वो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे गाड़ी मालिकों के पास गाड़ी होती है, बहुत सारे गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी अटैच कहीं करवाते हैं, जो अटैच किए हैं उनके पास वो गाड़ी चलाने के लिए आती है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा खर्चा क्या आएगा, खर्चा मैं किस तरह से निकालूं, किस तरह से मैं अपने गाड़ियों का प्रॉफिट एंड लॉस देखूं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं यहां पे कि आप अपने गाड़ी का मंथली प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप ट्रिप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आज बताऊंगा। ये सारे चीजों को बताने के लिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं 10 गाड़ियों का डिटेल। इसमें है 32 फुट डबल एक्सल कंटेनर, 32 फुट सिंगल एक्सल कंटेनर, 24 फुट कंटेनर, 22 फुट कंटेनर, 20 फुट कंटेनर, उसके बाद 16 टन टोरस, 21 टन टोरस, 24 टन टोरस, 19 फुट ओपन और 17 फुट ओपन। ये 10 गाड़ियों का आज मैं आपको कोस्टिंग निकालना सिखाऊंगा। मैं चूंकि यहाँ पे एक गाड़ी का आपको कोस्टिंग निकाल के दिखाऊंगा, बाकियों का आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगी कि इसकी कोस्टिंग कैसे निकलेगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो, आपको 6-7 फैक्टर्स जो है वो देखने पड़ते हैं आपके एक्सपेंसेस के। वो फैक्टर्स क्या क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ड्राइवर का सैलरी पहला होता है, दूसरा होता है डीजल, तीसरा होता है टोल टैक्स, चौथा होता है डॉक्यूमेंट, पांचवा होता है मेंटेनेंस और छठा होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये सारे आपके एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको गाड़ी चलाने के टाइम पे लगता है। अब ये सारे खर्चे कैसे निकाले जाते हैं मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं हम ड्राइवर सैलरी पे। चूंकि मैं जो है 15,000 रुपये का एक ड्राइवर पकड़ के चला हूँ, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा मार्केट के में ड्राइवर का, वो आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। मैं एक कॉस्ट लिया हूँ 15,000 रुपये का, तो मैं लिया हूँ 15,000 रुपये कॉस्ट एक ड्राइवर का। मैं दो ड्राइवर लेकर के मान रहा हूँ कि गाड़ी को चला रहा हूँ, तो मैंने एक महीने में जो कॉस्ट लिया ड्राइवर का वो हुआ 30,000 रुपये। इसके बाद आता है टोल टैक्स, टोल कितने का लगेगा। अगर मेरी गाड़ी दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली चल रही है, तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, एक या दो तीन वीडियो में बताया हूँ कि एक साइट है NHAI करके, नेशनल, ये साइट जो है गवर्नमेंट साइट, इंडियन गवर्नमेंट का साइट है। आप वहाँ पे जाकर के अपने गाड़ियों का टोल का अमाउंट निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है कि इन गाड़ियों का टोल का खर्चा दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली का कितना आएगा वहाँ पे निकालना है। तो दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली जो हुआ ये एक टाइप में हुआ, तो दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 3,000 किलोमीटर है। 3,000 किलोमीटर में जो उसका टोल निकला वो मैं निकाल के रखूंगा। इसके बाद आएगा मेंटेनेंस का खर्चा। मेंटेनेंस का खर्चा मैं बड़ी गाड़ियों का मान के चलता हूँ 1.5 रुपये/किलोमीटर है। ये कॉस्ट कैसे निकला है 1.5 रुपये/किलोमीटर, इसको अगर आपको देखना पड़ेगा तो आपको इसको पूरे गाड़ी का, जितने साल आपकी गाड़ी चलेगी उसका आपको प्री कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। किसी दिन में किसी जो फ्लीट के अच्छे जानकार होंगे, मैं उनके साथ बैठ करके आपके जो गाड़ी का मेंटेनेंस का पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना आता है मैं आपसे उनसे बात करवा करके आपको समझाऊंगा। बट आज मैं सिर्फ एक कॉस्टिंग बता रहा हूं आपको कि 1.5 रुपये/किलोमीटर का कॉस्ट आएगा। तो ये 1.5 रुपये/किलोमीटर आप कॉस्ट पकड़िए। इसके बाद आएगा क्या आपका डॉक्यूमेंट का खर्चा। डॉक्यूमेंट का खर्चा क्या होता है, जितनी भी आपके गाड़ी में डॉक्यूमेंट लगता है, एक साल के लिए वैलिडिटी होता है, उन सारे डॉक्यूमेंट का अलग अलग एक खर्च होता है। मानिए कि आपके पास 5 तरह का डॉक्यूमेंट है और उसको बनाने में एक साल का खर्चा लगा 1.5 लाख रुपये, तो आपको क्या करना है 1.5 लाख को डिवाइड करना है 12 से। जो अमाउंट आएगा ये आपका एक महीने का कॉस्ट होगा डॉक्यूमेंट का, तो वो आपको निकालना है। इसके बाद आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्या होता है, आपका ड्राइवर का खाना पीना, इसके अलावा अगर रूट पे कोई पुलिस वाले को कुछ दे रहे हो या किसी को कुछ दे रहे हो तो वो खर्चा, ये आप मान के पकड़िए कि तकरीबन 75 पैसे से 1 रुपये के बीच में ये खर्चा हो सकता है। इसके बाद आता है मेन डीजल। डीजल में आपको खर्चे निकालना सिखाऊं, उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं
कि आप बड़ी गाड़ी जितनी चलाते हो, कम से कम अगर वो गाड़ी आप 10,000 से 13,000 किलोमीटर के बीच में नहीं चलाते हो तो प्रॉफिट आपके ट्रक का निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप ट्रक का ईएमआई पे कर रहे हो तो, अगर आपका ट्रक ईएमआई फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम भी चलेगा तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। बट अगर आप ट्रक का ईएमआई दे रहे हो तो उस कंडीशन में आपको मंथली ट्रक से प्रॉफिट निकालने के लिए कम से कम 10 से लेकर के 13,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो मैं मान के चला हूं कि बड़ी गाड़ी का कम से कम 12,000 किलोमीटर मंथली चलाना है प्रॉफिट में लाने के लिए। तो मैं अब करता क्या हूं, अब वो ध्यान रखिए, मैं जो ये 10 गाड़ी आपको बताया था, इन 10 गाड़ियों का मैं लास्ट में एवरेज बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी कितनी एवरेज देती है। तो अभी मैं ले करके रखा हूं 32 फुट डबल एक्सल कंटेनर, ये गाड़ी देती है 4 का एवरेज और 12,000 किलोमीटर मंथली इसको चलाना है। तो कितना इसमें डीजल लगा, 3,000 लीटर डीजल लगा। अब 3,000 लीटर डीजल लगा तो डीजल का कॉस्ट क्या हुआ, अब वो आपको समझाता हूं। दिल्ली से गाड़ी मेरी जाती है बॉम्बे, बॉम्बे से गाड़ी मेरी आती है दिल्ली, ध्यान रखिएगा, दिल्ली से बॉम्बे जाती है गाड़ी, बॉम्बे से दिल्ली आती है। दिल्ली से बॉम्बे के बीच में मैं 3 शहरों का रेट पकड़ूंगा डीजल का, जहां जहां से भी आप डीजल भरवाते हो। मानिए कि कहीं का डीजल का रेट है 60 रुपए, कहीं का 65 रुपए, कहीं का 70 रुपए, आपको क्या करना है, वो 3 शहरों का अमाउंट ऐड करना है और उसको 3 से डिवाइड कर देना है। अब जो कॉस्ट आएगा वो आपका डीजल का ऑन एन एवरेज कॉस्ट है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपके जितना लीटर डीजल लग रहा है आपकी गाड़ी में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 32 फुट डबल एक्सल कंटेनर में 3,000 लीटर डीजल लगेगा, तो मैं इसको 3,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे क्या होगा, मुझे पूरा का पूरा डीजल का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो अब ध्यान देने वाली बात है, अब कॉस्ट में एक बार फिर से आपको बताता हूं। ड्राइवर सैलरी 3,000 रुपया, मैं 15,000 रुपया लिया हूँ दो ड्राइवर का, तो 30,000 रुपये ड्राइवर का सैलरी हो गया। मेंटेनेंस 1.5 रुपये पर किलोमीटर में आपको बताया हूँ, तो 12,000 किलोमीटर चल रहा है तो 12,000 किलोमीटर का कितना हो गया, 18,000 रुपया मेंटेनेंस हो गया। डॉक्यूमेंट में मान के रखा हूँ कि सारे तरह के डॉक्यूमेंट मिला के मंथली जो लग रहा है वो लग रहा है तकरीबन 10,000 रुपया, तो वो मैं 10,000 रुपया वो मान लेता हूँ। इसके बाद टोल है, अप एंड डाउन मिला करके एक ट्रिप में टोल लग रहा है मेरा 7,500 रुपया का। महीने में इसको 4 ट्रिप चलाता हूँ, मतलब कि अप एंड डाउन 3,000 किलोमीटर हुआ तो 4 बार में हुआ 12,000 किलोमीटर, तो 7,000 रुपये का टोल मान के चलता हूँ, तो 4 × 7 कितना हुआ, 28,000 रुपया मेरा टोल लग गया मंथली। अब डीजल की बात आती है, डीजल जो मैं बताया हूँ कि आपको 3 एवरेज निकालना है, उस एवरेज को 3,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपका डीजल का कॉस्ट है। सारे कॉस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके बाद मिसलेनियस कॉस्ट आपका आता है 0.50 से लेके 0.75 पैसे पर किलोमीटर, तो वो भी आपका मंथली कॉस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारे जो कॉस्ट हुए आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपके ट्रक के, ध्यान दीजिए ये एक एग्जांपल है, इसको आप सीरियस मत लीजिए, आप अपने ट्रक के हिसाब से ये कॉस्ट निकालिएगा। तो ये जो कॉस्ट है ये एक एग्जांपल कॉस्ट है, ये आपके पूरे महीने का जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब कि ये खर्च जो है, ये पैसा जो है आपके पैकेट से लगेगा अगर आप ट्रक इतना 1,000 किलोमीटर चलाते हो तब। सॉरी एक चीज तो और इसमें जोड़ना भूल ही गया मैं, इसमें एक आप ईएमआई जोड़ लीजिए, अगर आप ट्रक चला रहे हो दिल्ली में, आपका दिल्ली से ट्रक चल रहा है दिल्ली में 10 साल के लिए ट्रक की वैलिडिटी है, तो ट्रक का जो कॉस्ट है उसको आप डिवाइड कीजिए उतने साल से, मतलब कि 25 लाख का ट्रक है उसको डिवाइड कीजिए 10 साल से, हो गया 2.5 लाख रुपए पर साल कॉस्ट आपके ट्रक का। आप उसको 2.5 लाख को डिवाइड कीजिए कितना, 12 से, तो आपका जो अमाउंट निकलेगा तकरीबन 20-25,000 रुपये पर मंथ, वो आपका ये ट्रक का पर महीने का कॉस्ट है। सॉरी ये मैं बताना भूल गया था, इसको भी आपको इसी में ऐड करना है। तो ये जो 7 कंपोनेंट है ये आपका एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके ट्रक चलाने का। अब ध्यान देते हैं कि आपको प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दिल्ली से मुंबई किस रेट में ट्रक आपका जाना है ये आपको पता है, नहीं पता है तो आपको क्या करना है, अगर आप नए ट्रक चालक हो तो क्या करना है आपको मैं बता देता हूं। बॉम्बे, अगर आपके आप दिल्ली में बैठते हो, बॉम्बे में किसी को फोन कीजिए, कोई भी गाड़ी वाले को, उसको बोलिए कि मुझे फलाना जगह से दिल्ली के लिए इस तरह का गाड़ी चाहिए, कितने का गाड़ी मिलेगा आपको, वहां से दिल्ली की गाड़ी एक मिल गई, रेट मिल गया आपको। सेम आपको दिल्ली से वही करना है कि मुझे
बॉम्बे भेजना है, कितने का रेट मिलेगा आपको, यहाँ से मिल गया। अब आप दोनों को ऐड कीजिए, मतलब कि 75,000 रुपये आपको बॉम्बे से दिल्ली का मिल गया, 42,000 रुपये दिल्ली से बॉम्बे का मिल गया, तो क्या हो गया, दोनों को ऐड कीजिए, ये हो गया आपका 1,17,000 रुपये अप एंड डाउन का इनकम। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, अगर आप 4 ट्रिप चला पाते हो तो मैं उसी में बोला हूँ कि अगर आप 4 ट्रिप 12,000 किलोमीटर चलाओगे तभी आपको प्रॉफिट निकलेगा, 10 से 13 के बीच में चलाओगे तो आपको क्या करना है, 1,17,000 को जितना बार आप ट्रिप पूरा किए हो या फिर सिंगल सिंगल ट्रिप करके भी आप इसको ऐड कर सकते हो। आपको अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से पता है, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका इनकम आपको पता है, तो आराम से इस बेस पे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। अब आते हैं कि कौन से गाड़ी का एवरेज क्या है और कितने किलोमीटर चलाने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, तो अब हम आपको बताते हैं। 32 फुट डबल एक्सल कंटेनर को अगर आप 10 से 12 13 के बीच में चलाते हैं 1000 किलोमीटर में तो आपको प्रॉफिट निकलेगा, और इसका एवरेज है 4 का। 32 फुट सिंगल एक्सल कंटेनर का एवरेज है 5 का, इसको भी सेम उतना ही चलाना पड़ेगा। 24 फुट कंटेनर का जो है एवरेज है 6 का, और इसको आपको चलाना है तकरीबन 9 से लेकर के 10 10,500 किलोमीटर के अराउंड में। 22 फुट कंटेनर का भी जो एवरेज है वो है 6.25 का, इसको 8 से लेकर के 10,000 किलोमीटर के बीच में चलाना है। उसके बाद है 20 फुट कंटेनर, इसका एवरेज है 6.5 का, ये भी आपको 7 से लेकर के 9,000 किलोमीटर के बीच में चलाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं 16 टन टॉरस, इसका एवरेज है 3.75 का, ये आपको 12,000 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। 21 टन टॉरस, इसका एवरेज है 3.5 का, ये भी आपको 12,000 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। इसके बाद है 24 टन टॉरस, इसका एवरेज है 3.25, ये भी आपको 12,000 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं छोटी गाड़ी में एमसीबी में, और वो है 19 फुट ओपन, इसका एवरेज है 12 का, ये आपको तकरीबन 7 से 9,000 किलोमीटर लॉन्ग रूट में चलाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट रूट में बिजनेस करते हो तो 4.5 से 6,000 किलोमीटर आपको चलाना पड़ेगा। 17 फुट ओपन की मैं बात करूँ तो इसका जो एवरेज है 13 का, और इसको भी आपको तकरीबन 4 से लेकर के 5,500 किलोमीटर में शॉर्ट रूट में चलाना पड़ेगा, लॉन्ग रूट में सेम उतना ही चलेगा जितना 19 फुट चलती है। तो दोस्तों ये था आपका कॉस्टिंग पूरा जोड़ करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ जो कॉस्टिंग आने वाली है। आशा करता हूँ कि आपको कॉस्टिंग समझ में आया होगा और आपके जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आपके सारे के सारे सॉल्व हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया है, वीडियो आप पसंद किए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में कुछ नए और डिटेल्स के साथ, नए कोर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।